तो ये है आज का मेरा नाश्ता। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। तो बस अभी सुबह हुई है, सफाइयाँ हुई हैं घर की पूरी। ये देखें घर की पूरी सफाई हो चुकी है और नाश्ता कर लिया है, नाश्ते से फारिग हो गए। आयत अभी सो रही है, इमरान अपने काम पर कहीं गए हैं और अयान मदरसे से आए हैं। बस अभी सारा दिन में जो रूटीन होगी इंशाल्लाह वो आपके साथ शेयर। और आज मैंने प्लांट को थोड़ा सा छुपा कर रखा है। ये देखिए मैंने इस साथ में ऐसे ये सामने से गत्ता लगा दिया है कि इन पे ज़्यादा धूप ना पड़े, तो थोड़ी सी छांव मिलती रहे। वैसे सुबह से धूप आ रही थी इधर, लेकिन अब मैंने कहा कि थोड़ी सी छांव आ जाए क्योंकि बहुत शदीद धूप है, इतनी बहुत ज़्यादा धूप हो रही है। भाई ये प्लांट लगा के मेरी तो मसरूफियत का हल निकल गया है, वरना मुझे समझ नहीं आता था कभी कपड़े सीने पड़ जाते। बस मुझे रमज़ान का तो बहुत इंतज़ार होता है, इतना इंतज़ार होता है ना, बहुत खुश हूँ मैं कि रमज़ान स्टार्ट हो रहा है। मतलब इसकी एक वाइब्स अलग ही होती है रमज़ान की, पहले से ही होना शुरू हो जाता है कि अब रमज़ान स्टार्ट होने वाला है। तो बस बहुत मज़ा आने वाला है, हम लोगों को रोज़े रखेंगे, इबादतें करेंगे, तो वो रौनकें ही अलग होंगी बाज़ारों में भी और सब जगह। इतनी बहुत अच्छा सा लगेगा एक ना, बस एक रमज़ान का, ईद का मुझे इंतज़ार पूरे साल होता है। मुझे कोई मंथ इतना अच्छा नहीं लगता जितना रमज़ान मुझे पसंद है। इतना अच्छा लगता है मुझे रमज़ान, इबादतें होती हैं और हर कोई ऐसा लग रहा होता है जैसे चेहरे पे नूर आ रहा हो सबके, क्योंकि वो नमाजें और वो सारी चीज़ें जो चल रही होती हैं, इबादतें, कुरान शरीफ पढ़ना, वो करना। तो इंशाल्लाह ताला 2 से 3 कुरान शरीफ ख़त्म करेंगे रमज़ान में। और सैलून भी मेरा तो 15 दिन तो बंद ही होता है, तकरीबन 10 दिन तो बंद होता ही है। तो अब उसके बाद देखेंगे क्या रूटीन होगी कि 15 दिन में खोलना है या 10 दिन में खोलना है। तो काम तो इतना ज़्यादा होता ही नहीं है, तो मुझे इस बात की भी खुशी होती है कि घर में बैठकर बस घर के काम करने और इबादतें करनी और कुरान शरीफ पढ़। और मुझे तो इसलिए भी इंतज़ार होता है रमज़ान का क्योंकि मुझे पकाने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो फिर न्यू रेसिपीज ट्राई करती हूँ। और हालांकि खाने वाला इतना कोई होता नहीं है, हस्बैंड का तो इतना ज़्यादा खाते ही नहीं है। आयान भी मूड होता तो खा लेता है और अगर नहीं मूड होता तो वो नहीं खाता। आयत तो खाती ही नहीं है, तो फिर जो भी कुछ बनाती हूँ खुद ही खाना पड़ रहा होता है या फिर इधर पड़ोस में इधर विधर देती हूँ। लेकिन इतना शौक है ना मुझे। और आयत यहाँ उठ चुकी हैं। आयु अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? उठ गई हैं मेरी बेटी, वालिशी बेटी उठ गई है, मम्मी की शहजादी है ये बहुत। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? इतनी देर में शुक्र उठी है, मैं तो अभी भी शोती लेती, कूक गई हैं, हैं कूती हैं। तो डिनर के लिए मैं बना रही हूँ आलू का भुर्ता, तो जो मेरा फेवरेट है, मुझे तो बहुत पसंद है आलू का भुर्ता। तो अभी सोचा वही बना लूँ बस, और जल्दी भी बन जाएगा क्योंकि 10 तो बज गए हैं। दिल ही नहीं चाह रहा था खाना बनाने का और खाना खाने का, सो गई थी, सोकर उठी तो फिर मैंने सोचा कि अब खाना बना लूँ। हस्बैंड भी आ गए, बच्चों को भी भूख लग रही है और बच्चों का भी फेवरेट है वैसे आलू का भुर्ता, मेरा तो है ही। चले बताती हूँ कैसे बना रही हूँ। ये आलू मैंने बॉईल करके मैश कर लिए, प्याज और हरी मिर्चे, कुटी मिर्चे, हल्दी, नमक, जीरा एंड टमाटर। ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। जैसे ही प्याज अदकचती हुई मैंने इसके अंदर टमाटर डाल दिए। प्याज से पहले डालना था लहसुन अदरक का पेस्ट, मैं भूल गई थी डालना। और ये सारे मसाले, इतनी मैं मसाला भून रहा है टमाटर और प्याज वगैरह का, इतनी देर में सारे कपड़े उतार लेती हूँ जो कि सूख चुके हैं। अब यहाँ पर असल में धूप नहीं आती ना, तो इसलिए सिर्फ हवा में ही सूखते हैं। वैसे तो ड्राई से ड्राई हुए हैं वो, लेकिन फिर भी
बाकी अभी थोड़े से कपड़े गीले हैं तो अभी वो मैं नहीं उतार रही हूँ। थोड़ी सी देर बैठ के इंतजार करती हूँ, मसाला भी इतनी देर में भूल जाएगा हमें। रोमा के आना कौन कौन देखता है, मैं तो देखती हूँ बच्चों के साथ। आयू आयू क्या कर रही हो, ये क्या क्या हुआ यहाँ? आयू चीखने की और रोने के अलावा कोई काम है आपको बेटा? आयू गुड़िया, ये देखें गाइस, रोजाना मैं आपको दिखाती हूँ यही सीन होता है ना, शूज पहन के तैयार खड़ी है आयत। बस मसाला भून गया, काफी हद तक भून गया, टमाटरों को बिल्कुल भूनना है मुझे। और बहुत सारे लोग इस तरह भी बनाते हैं आलू का कुर्ते का मसाला कि प्याज खड़ी खड़ी नजर आती है, लेकिन हमारे यहाँ हस्बैंड और ये अयान नहीं खाते इसकी, प्याज पसंद नहीं करते, तो इसलिए मैं भूल लेती हूँ इसे बिल्कुल। इतने अपने प्लांट से पुदीना तोड़ कर ले आती हूँ, आज मुझे पुदीना डालना है तो मैं पुदीना तोड़ लेती हूँ इसमें से का वेट कर रहे हैं हम लोग, इमरान आ जाए नमाज पढ़ के, नमाज पढ़ने हैं, नमाज पढ़ ले तो बस फिर हम लोग खाना खाएंगे। ये क्या किया है इसमें, क्या किया है? ये मैंने पुदीना डाल दिया इसमें, बस मुझे इतना ही डालना होता है थोड़ा थोड़ा सा, और भुट्टा तैयार है बस खाएंगे अब खाना। हम लोग ड्राइंग रूम में खाना नहीं खाते तो बेड पर बैठ के ही खाना खाते हैं रोजाना। तो गाइज मैं अभी बैठी हुई थी फ्री, तो फिर मैंने सोचा कि मुझे देने हैं टेलर को कपड़े, तो इसलिए मैंने सोचा कि कपड़ों की इतनी डिज़ाइनिंग ही कर लूँ, कुछ देख लूँ, क्योंकि काफ़ी सारी शॉपिंग तो मैंने कर ही ली है, अब टेलर को कपड़े जो देने हैं उसकी डिज़ाइनिंग और सारी चीज़ें मैच करके सब चीज़ें करके रखती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ सारी चीज़ें। ये एक सूट है मेरा खाड़ी का, इसका पूरा सूट शर्ट शलवार है, और ये इसका बॉर्डर आ गए सारे के सारे इसके बॉर्डर हैं। इसके साथ मैंने ये लेस लिए जो मैं लगवाऊंगी, और ये इसके साथ मेरा टसल्स है जो मैं ये इसके साथ लगवाने वाली हूँ। अभी बस मैं इसकी डिजाइनिंग सोच रही हूँ कि क्या करना है। एक ये सूट है, ये भी खाड़ी का ही है, खाड़ी लग्जरी का ही है। ये मेरी एक शर्ट है साया की, और इसके साथ ये मैंने लेसेस रखी है। ये सिर्फ ओनली शर्ट ही थी तो ये जैकवाट की है, इस तरह की वाइट कलर तो मुझे बहुत पसंद है, और इसका ये मैंने इसका जैकॉर्ड्स का खाड़ी नेट का कुछ इस तरह का एम्ब्रॉयडरी वाला दुपट्टा लिया है, पता नहीं इस पर ये चल रहा है लेकिन मैंने मैच करके ले लिया, हाँ चल तो रहा है वैसे। और इसके साथ ये मैंने लेसेस लिए हैं जो आजकल सेंटर लेस के साथ चल रहा है, कुछ वो सिलवाऊंगी जो सेंटर लेस के साथ में चल रहा है, और इस तरह से ये दबा कर ये इस तरह से ये दुपट्टे पे लगानी है चारों तरफ लेस इस तरह करके।
ये सिलवाऊंगी। एक सूट मेरा ये है, ये भी मैंने खाड़ी से ही लिया है, ये भी आपको दिखाती हूँ, ये भी बहुत खूबसूरत है। इसकी भी सारी चीज़ें मैंने रेडी करके रखी हुई हैं कि बस बस ये लूँगी, अपने सिलवाने हैं मुझे ये सूट। इसकी सारी लेसेस मैंने सिर्फ जमा करके रखी है, लेकिन अभी इनकी डिज़ाइनिंग के बारे में कुछ पता ही नहीं है मुझे कि मुझे क्या सिलवाना है। इसका ये शर्ट है, ये शर्ट है इसका, और इसकी जो ये है ये इसका ट्राउज़र है। ट्राउज़र के साथ में इसकी सारी बैक पे पूरी एम्ब्रॉयडरी है जो मुझे दामन पे लगवानी है किसी भी तरह, ये इसके साथ ज्वाइन हुई। और ये शेफोन का इसका दुपट्टा, और इसके साथ की ये मैंने टक्कर रख ली है, तो मैं दिखाती हूँ आपको। लड़कियों को तो बहुत इंटरेस्ट होता है ना इन टसल से और इन सब चीज़ों से, खरीद की शॉपिंग सबको करनी भी है, तो मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि ये चीज़ें आजकल इन है मार्केट से, जो मैं लेकर आई हूँ अपनी पसंद से। ये चीज़ें ये टसल्स हैं इसके जो मुझे लगवाने हैं, शायद शर्ट पे लगवा लूँगी या दुपट्टे पे या अभी देखूंगी। और ये सारी लेसेस मैंने इसके साथ रखी हुई है। एक मेरा सूट ये वाला है, ये भी लॉन का है, कैजुअली पहनना, क्योंकि ईद पे इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि मैं तो बिल्कुल फैंसी सोचती नहीं हूँ। थोड़ी सी देर पहन भी लूँगी तो इससे ज़्यादा मुझसे पहनना जाएगा ही नहीं, थोड़ी सी देर में उतारना ही होता है बस मुझे। ये मेरा एक सूट है जो मैंने लिया था, पता नहीं कौन सा ब्रांड है, मैं अभी देखती हूँ, याद नहीं आ रहा। ये इसका शिफॉन का दुपट्टा है, ये इसका इस तरह पूरा गला बना हुआ है, इसका ये दुपट्टा है, और ये इसकी लेसेस है सारी, ये मैंने रखी हुई है सारी इसके साथ। और ये सूट है पॉपिन, अयान ने अभी मुझे ये दिखाया है कि ये पॉपिन का सूट है, कुछ इस तरह का दामन बना हुआ, ये इसका दामन है एम्ब्रॉयडरी में, और ये इसका बैक और स्लीव्स है, ये इसका ट्राउजर आ गया, ये इसका मैंने मैचिंग का दुपट्टा डाई करवाया, और मैंने इसके साथ ये टसल किए। ये पता नहीं आपको ठीक से शो हो रही है नहीं, इस तरह ये है। अब मैं इसमें शायद दुपट्टे पे लगाऊंगी या फिर शर्ट में लगाऊंगी, वैसे ज्यादातर चीजें मैं दुपट्टों में ही लगाती हूँ, शर्ट में चीजें कभी लगाती। कुर्ती है जो मैंने अभी ली है, खाड़ी से ली थी कहाँ से ली थी देखती हूँ, ब्रांड आइडियाज बताइएगा आपको मेरे ड्रेसेस कैसे लगे। मैं इसलिए भी ये दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो, क्योंकि सबको ही शॉपिंग करनी है अभी ईद की, तो थोड़ा सा आपको पता लगेगा क्या क्या चल रहा है। ये सारी रिसेंटली ही मैंने शॉपिंग की है, तो आप लोगों को दिखाए हैं सारे ब्लॉग्स में, सारे मॉल से इधर उधर जाकर जो मैंने शॉपिंग की है, ये सारी शॉपिंग की है। उस वक्त नहीं दिखाई थी क्योंकि आने के बाद काम इतने करने होते हैं मुझे, तो अब मैंने कहा कि मैं फ्री हूँ, ये सारी चीज़ें स्टिच करवाने के लिए निकलवाई थी कुछ मैचिंगों के लिए। तो अब रमज़ान में सिर्फ 2-3 दिन तो रह गए हैं तकरीबन, तो बस रमजान से पहले ही सारे काम करूंगी ताकि रमजान में मुझे जाना ना पड़े। तो ये मैंने लिया है कुर्ता आयत का J.Dot से, कैजुअली है, और इसके साथ में ये चुनचुन वाला मैंने दुपट्टा लिया, और इसके साथ में ये इसका टाइट्स लिया। बच्चों पे तो आयत की तो ज्यादातर मैं इस तरह के कुर्ते ले लेती हूँ, फिर मैं टाइट्स में बनाती हूँ। ये देखिए इस तरह का है, इसकी ये फ्रंट पे एम्ब्रॉयडरी भी है जेलबेरी से, ये जेलबेरी का है, और इसको मैं पहनने वाली हूँ टाइट्स के साथ में, ये मैं जीन्स के साथ भी पहन सकती हूँ। बैग पे ये पूरा ये मोटिव जो बना हुआ एम्ब्रॉयडरी बना हुआ है, ये क्लोज है ना, ये मैंने ये एम्ब्रॉयडरी बनी हुई है इसकी ये सारी, और आगे का कुछ इस तरह से है, और इसके इस तरह कफ वाले हैं। तो इसको तो मैं बहुत सारी चॉइस है, जीन्स पे भी पहन सकती हूँ, और इसको मैं टाइट्स के साथ भी पहन सकती हूँ। तो गाइस आपको मेरी शॉपिंग कैसी लगी, कैसे लगे आपको मेरे कपड़े? बहुत सारी लड़कियों को आइडिया तो थोड़ा बहुत हो ही गया होगा कि क्या चीज़ें चल रही हैं आजकल खाड़ी पर और सारे ब्रांड्स पर। वैसे मैं ब्रांड्स का इसलिए नाम लेती हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादातर यही पसंद है, खाड़ी एथनिक, ये मुझे ज़्यादातर यही ब्रांड्स अच्छे लगते हैं और मैं पहनती भी यही हूँ।
तो बस इन सब कपड़ों को स्टिच करवाना है। अब स्टिचिंग की बारी है, सारी चीजें वो तो गई हैं, अभी इनकी ज्वेलरी बाकी है, जो वो लाऊंगी तो वो भी दिखाऊंगी। इन सबके शूज बाकी है, एक तो ऑर्डर किए हुए हैं शूज, वो आ जाएंगे तो वो भी दिखाऊंगी जरूर मैं। कैसे लगे आपको मेरे कपड़े? मैं बहुत शौकीन हूँ शॉपिंग करने की, बहुत ज्यादा मुझे इतना दिल चाहता है कि बस मेरे पास हर वक्त पैसे हों और बस मैं फारिक टाइम हो, पैसे का तो कोई मसला नहीं है, फारिक टाइम हो, जैसे तो फारिक टाइम मिलता है मुझे सैलून से या घर से कहीं से भी, और मैं शॉपिंग के लिए चली जाती हूँ, इतना शौक है मुझे। अब इन सबकी सबकी शॉपिंग वो करनी है, ज्वेलरी लेनी है मुझे, इन सबके शूज लेने हैं और ईद की तैयारी, चूड़ियाँ लेनी है, तो ईद के लिए तो मुझे बहुत सारी तैयारी करनी होती है। अभी फिलहाल एक दो शॉपिंग के लिए अभी जाऊंगी, रमजान के लिए कुछ सूट चाहिए मुझे, लॉन के दुपट्टे वाले जिसे नमाज वगैरह में आसानी रहे वो खरीदने हैं, वो मुझे कहीं प्रिंट पसंद नहीं आ रहे, दो तीन जगह पर देख चुकी हूँ, तो वो लूंगी, तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। तो गाइस हमारा ये एसी खराब हो गया यहाँ ड्राइंग रूम का, इसे भी कल काम करवाना है, इसे भी रिपेयर करवाना है, ये खराब हो गया है, फिलहाल कूलिंग ही नहीं कर रहा, तो जब व्लॉगिंग करूँ या कुछ भी वीडियोस बनाऊँ तो यहाँ तो फैन ऑफ करना पड़ता है, जाहिर सी बात है कि उसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा होती है ना, तो उसमें अब फिर क्लियर आवाज़ नहीं आती, फिर सब लोग कमेंट कर रहे होते हैं कि आवाज़ क्लियर नहीं आ रही आपकी बिल्कुल, तो बस ये इसकी कल रिपेयरिंग होगी। तो गाइज आपको मेरी शॉपिंग कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और जैसे जैसे ट्रेलर्स के यहाँ से कपड़े सिल के आते जाएंगे मैं आपको दिखाती जाऊँगी, और पहनने के बाद भी ईद पे तो वो तो आप देखेंगे ही सारे मेरे ड्रेसेस सब चीज़ें, तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी कल एक नए ब्लॉग के साथ। के लिए अल्लाह हाफिज़।